दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो रेंज में। और आज हम बात करने वाले हैं इसी इवेंट के बारे में। और ये इवेंट आप लोगों को तो दोस्तों पता ही होगा कि कंटिन्यू दो बार आ चुका है और दोनों बार जो है हमको जो है रिवार्ड नहीं मिले हैं। ठीक है, तो रिवार्ड ना मिलने के बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि हम आईडी जो है लॉगिन करते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि वीपीएन को यूज़ करके जो है आईडी लॉगिन करते हैं, बाद में हम कंट्री चेंज करते हैं और उसी स्टार मेकर को हम कई बार विदाउट वीपीएन ओपन कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो है जब हम नेट ऑन करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन हो वो बैकग्राउंड डाटा को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो आपकी जो लोकेशन है बैकग्राउंड डाटा जब एक्सेस करता है तो आपका एप्लीकेशन भी एक्सेस कर लेता है कि वो आईडी अभी किस लोकेशन में लॉगिन है, आईपी एड्रेस आपका सारा कुछ जो है ट्रैक हो जाता है। तो आखिर में ये रिवार्ड हमको अब कैसे रिसीव करना है वो सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो वीडियो है मैं इसकी 100% गारंटी तो नहीं लेता कि इसमें आपको रिवार्ड मिल ही जाएगा दोस्तों, लेकिन आप दो तीन आईडी बना के एक बार फिर से जो है इसी इवेंट को ट्राई कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको वही तरीका इस बार अपनाना है। आप इस बार जो तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा हटके होगा, और ये करने के बाद में शायद जो है इस मैक्सिको कंट्री में जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो आपको जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी जब आपको मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको कंट्री चेंज नहीं करनी है। जैसे आप आईडी बनाते थे फिर मैक्सिको जाके चेंज करते थे, आपको कंट्री चेंज नहीं करनी है। क्योंकि कंट्री चेंज करने से क्या होता है, आप जब आईडी बनाओगे तो आईडी एक्चुअल में जिस लोकेशन में बनी होती है स्टार मेकर सबसे पहले उसको एक्सेस करता है कि आपकी कंट्री इस लोकेशन में बनी थी, आपने बाद में कंट्री को चेंज किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप वीपीएन के बिना एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तीसरी बात यह है आपका एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड डाटा को जो है सपोर्ट करता है। तो ये सारा कुछ जब अगर हम सुधार लें तो हो सकता है कि ये रिवार्ड जो है हमको मिल जाए। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे लोग आईडी बना के तुरंत बोलते हैं भाई रिवार्ड नहीं मिला। देखो दोस्तों यहाँ पे जो इवेंट चलने वाला है ये 24 तारीख से 30 तारीख तक चलने वाला है, 24 जुलाई से 30 जुलाई। तो ये जब इवेंट समाप्त हो जाएगा उसके 7 डेज़ के बाद जो है हमको जो है रिवार्ड मिलेगा। और रिवार्ड में ये सारे गिफ्ट मिलेंगे, पहला ये लव वाला 100, दूसरा हार्ट वाला और तीसरा ये रिंग वाला 100। ठीक है, तो ये सारे जो गिफ्ट हैं ये बॉक्स गिफ्ट हैं, मतलब इसको हम बॉक्स ओपनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे गिफ्ट हैं। अगर ये मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों ट्राई करने में अपना कोई भी हर्ज नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप यहाँ पे 40-50 आईडी बना के खड़ी कर दो, आप 2-3 आईडी बना के ट्राई कर लो। अगर एक बार गलती से भी या एक बार ये ट्रिक काम कर गया, आपको रिवार्ड मिल गया, तो ये इवेंट जब कंटिन्यू आ रहा है और खूब ज़्यादा आप लूट सकते हैं इस इवेंट को। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ऐप क्लोनर से एक नई आईडी बना लेनी है। आईडी कैसे बनानी है आपको पता ही होगा। अब बात आती है दोस्तों आपको एक मतलब नया एप्लीकेशन बना लेना है स्टार मेकर का ही। अब बात आती है दोस्तों आपको कौन सा वीपीएन यूज़ करना है, तो आपको सीधे मैक्सिको कंट्री का वीपीएन यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो मैक्सिको कंट्री का वीपीएन देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला वीपीएन जो है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा इसका रेटिंग है, बहुत ही अच्छी इसकी स्पीड है, आपको ये वीपीएन कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे एक स्विच वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखिए आप स्विच वाला ऑप्शन जो नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ है उसके बाद में एक स्विच बना हुआ है। ठीक है, आपको सिंपली इसी स्विच पे क्लिक कर देना है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है कनेक्ट हो जाएगा, एक ऐड आपको दिखाएगा उसके बाद में कनेक्ट हो। तो जैसे ही दोस्तों आपका वीपीएन कनेक्ट होगा तो यहाँ पे आपको एक दिख जाएगा कनेक्टेड। ठीक है, तो अभी ये वीपीएन मैक्सिको कंट्री से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, मतलब आपको कंट्री चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, स्टार मेकर का जो भी आपने क्लोन बनाया है उस पर आपको जो है आईडी बनानी है। पहले आईडी नहीं बनानी है, पहले आपको वीपीएन कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको आईडी बनानी है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप जो भी क्लोन बना रहे हैं स्टार मेकर का या स्टार मेकर लाइट का, उसका जो बैकग्राउंड डाटा है उसको आपको ऑफ कर लेना है। क्यों ऑफ करना है मैं अभी आपको उसका रीज़न भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्टार मेकर का जो है बैकग्राउंड डाटा, मैं ऐप इन्फो पे जाता हूँ और ऐप इन्फो पे आप सबको जाना है, यहाँ पे आपको मोबाइल डाटा मिलेगा और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड डाटा, तो ये ऑन होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका डाटा इंटरनेट ऑन होगा तो आपका एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड डाटा को सपोर्ट करेगा, तो इसलिए इसको सबसे पहले आपको ऑफ कर लेना है, क्योंकि ये आपका ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो कंट्री है वो जो है ट्रैक हो सकता है, स्टार मेकर ऑफिशियल ट्रैक कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड डाटा आपको सबसे पहले ऑफ कर लेना है। अब दोस्तों आपको इसी एप्लीकेशन पे जो है आईडी बनानी है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मैक्सिको कंट्री से वीपीएन कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे एक ईमेल से जो है लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ईमेल कोई भी आप मोहमाल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं मोहमाल यूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मोहमाल यूज़ कर लिया है और यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस जो है कॉपी कर लिया है मैंने, ठीक है। और कॉपी करने के बाद में इसको सिंपली पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से जो है वेरिफिकेशन जो है एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे लॉगिन विद स्टार मेकर लाइट आ गया है, स्टार मेकर आ गया है, तो यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन में सक्सीड हो गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेरिफिकेशन सक्सीड, ठीक है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल लिया है और पासवर्ड डालने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जो नाम रखना है वो किसी मैक्सिको कंट्री के में जो भी नाम होगा उसी नाम से रिलेटेड नाम रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और नाम अभी डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि अभी किस कंट्री में आईडी जो है बनी है। तो यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, जनरल सेटिंग में देखिए यहाँ पे मैक्सिको कंट्री में डायरेक्ट आईडी बन गई है, आपको यहाँ पे कंट्री चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप चाहें तो कंट्री चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब डायरेक्ट आपका मैक्सिको कंट्री में ही आईडी बना है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट आपका मैक्सिको कंट्री में ही आईडी बने। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे नाम आपको रखना है कोई मैक्सिको कंट्री वाले पर्सन के नाम से रिलेटेड ही नाम रखना है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो मेंबर्स हैं उनका नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इन्हीं में से किसी का भी नाम जो है अपनी प्रोफाइल पे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नाम है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मतलब नाम आपका इंडियन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नाम ज़रूर लिख लेना ताकि फेक आईडी आपकी नहीं लगे। इसके बाद में आपको एक प्रोफाइल पिक्चर कोई फॉरेनर की लगा लेनी है या जैसा भी आप चाहें लगा लेनी है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे रूम बनाना है और रूम को अपग्रेड कर लेना है वन लेवल में। वन लेवल में कैसे अपग्रेड करना है आपको पता ही होगा। तो रूम आपको यहाँ पे मैं इवेंट पे चला जाता हूँ सबसे पहले, और इवेंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है अपग्रेड एंड गिव अ रिवार्ड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली एक रूम बना लेना है और रूम को जो है अपग्रेड कर लेना है। तो रूम बनाने के लिए जैसे ही आप गो पे जाएंगे तो यहाँ पे सारा कुछ जो डिटेल है भर लेंगे, और भरने के बाद में यहाँ पे प्लस पे करेंगे तो आपको रूम बना लेना है। रूम में 5 कवर फोटो लगा लेना, एक डिस्क्रिप्शन डाल लेना, आपका रूम जो है फर्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक आईडी का ऑलरेडी मैंने बना लिया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ओपन करके, जो कि मैक्सिको कंट्री ही है। और यहाँ पे मैंने नाम भी थोड़ा सा फॉरेनर का यहाँ पे देखिए रख लिया है। यहाँ पे रूम भी मेरा बन गया है, क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, वन लेवल पे अपग्रेड भी कर लिया है। मैक्सिको कंट्री भी यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैक्सिको कंट्री भी है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि इसको आपको क्लियर कर देना है, मतलब आपका काम जो है डन हो गया। अब अभी आपको ये एप्लीकेशन तब तक ओपन नहीं करना है जब तक ये इवेंट समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। और जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैक्सिको वीपीएन से ज़रूर कनेक्ट कर लेना, उसके बाद में ही आप ओपन करेंगे। गलती से भी आप इंडियन कंट्री में मतलब वीपीएन विदाउट वीपीएन यूज़ किए हुए इसको ओपन नहीं करना, नहीं तो आपका लोकेशन वहाँ पर चला जाएगा, ये आप ध्यान रखना। आपको हमेशा जब भी ओपन करना होगा मैक्सिको वीपीएन लगा लेना, और ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही कितने डेज के बाद रिवार्ड मिलेगा, उतने डेज के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। तब तक आपको क्लोज रखना है। इतना सारा कुछ करने के बाद में ये रिवार्ड जो है मैं मतलब ये चीज़ तो क्लियर है कि रिवार्ड आपको मिलने के बहुत सारे चांसेज हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने जो है कंट्री जो लगाया है उस कंट्री में आईडी बनी है, आपने कंट्री चेंज भी नहीं की है। साथ में जो है आपका जो वीपीएन है, जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे वीपीएन कनेक्टेड होना चाहिए, और इसका जो बैकग्राउंड डाटा ये आप ऑफ कर लेना, जिससे कभी भी आप नेट ऑन करें तो ये एप्लीकेशन आपका जो है बैकग्राउंड डाटा को एक्सेस नहीं कर पाए। तो दोस्तों बस आप एक बार इसको बना के देख लीजिए, 2-3 आईडी ज़रूर बना के छोड़ दीजिए, पता नहीं क्या लक हो जाए और जो है रिवार्ड हमको मिल जाए। और दोस्तों ये वीपीएन जो है इसको मैं आपको प्ले स्टोर पर दिखा देता हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैक्सिको वीपीएन है, आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।